नमस्कार और आज हम खड़े हैं रोमानियन एसयूवी के सामने जिसका नाम है रेनॉ डस्टर। 2010 में लॉन्च हुई थी और ये 2019 का सेकेंड जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है। रेंज शुरू होती है एक्स शोरूम 10 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 18 लाख रुपीज़। और ये टॉप मॉडल LE 4x4 आप देख रहे हैं। इंडिया में फर्स्ट जनरेशन का फेसलिफ्ट अवेलेबल है, ये सेकेंड जनरेशन डस्टर अवेलेबल नहीं है। रेनॉ ने कहा है कि वो इस डस्टर को इंडिया में नहीं लाएगी क्योंकि इसका टेक्निकल कंस्ट्रक्शन इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। तो रेनॉल्ड भाई, इस टेक्निकल दिक्कत को ठीक करो और इसे इंडिया लाओ। भाईचारे की मिसाल ये है कि डस्टर को डाचिया कंपनी बनाती है रोमानिया में, जिसे रेनॉ भी बेचती है। धुआं कम करके ज़्यादा एवरेज चाहिए तो LPG वेरिएंट भी आता है डस्टर का, थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। इंजन्स भी पुराने डस्टर के ही यूज़ करती है ये नई डस्टर। 4 कैमरास के साथ मल्टी व्यू कैमरा सिस्टम है, जिससे आपको अपना गला टेढ़ा करके हर जगह नहीं देखना पड़ेगा। हर जगह से तोड़ फोड़ कर एक्सीडेंट्स करके सेफ्टी के लिए यूरो एनकैप ने 5 में से 3 स्टार्स दिए हैं रेनॉ डस्टर को। और ये नीचे छोटा प्यारा गोल फॉग लैम्प, सुंदर सी क्रोम ग्रिल, फ्रांस से आया रेनॉ का लोगो, आसानी से आगे देखने के लिए फ्रंट कैमरा, नए स्टाइलिश डिज़ाइन में हेडलैम्प हैं LED DRL के साथ। आपको आसानी से सड़क क्लियर दिखे उसके लिए बढ़िया वाइपर्स हैं। और ऊपर मोटे से हैवी रूफ रेल्स हैं। सिग्नल्स कैच करने के लिए एंटेना दिया गया है। चमचमाता डस्टर लोगो, कर्वी माचो बॉडी है डस्टर की, 4-व्हील ड्राइव की बैजिंग इंडिकेटर दिया गया है, 4.3 मीटर लेंथ है, 1.7 मीटर हाइट है, 10.1 मीटर टर्निंग सर्कल डायमीटर है, 1400 केजी कर्ब वेट है और 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस है डस्टर का। 1000 केजी तक का वजन भी खींच सकती है डस्टर। और ये हैं सबके प्यारे 17 इंच के मालदीव्स एलॉय व्हील, 16 इंच के एलॉयज और स्टील व्हील्स का भी ऑप्शन है। आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। बढ़िया सिल्वर ब्लैक फिनिश है। आपने सिल्वर और ऑरेंज कलर तो देख लिया है, ब्राउन, ब्लू, ग्रे, बीज, ब्लैक और मेरे फेवरेट रेड कलर का भी ऑप्शन है। एक चीज़ जो दिखाना आपको भूल गया था वो आपको भी देखने में मदद करेगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल डीफ्रॉस्टिंग आउटसाइड मिरर्स हैं कैमरा के साथ। अपनी पुरानी डस्टर वाले डाचिया के B0 प्लेटफॉर्म पर बनी है नई डस्टर, जिस पे रेनॉ कैप्चर और निसान किक्स भी बने। इंटीरियर नॉइज़ पुरानी डस्टर के मुकाबले आधी कर दी गई है, तो अब जंगल की आवाज़ सुनने के लिए विंडो खोलनी पड़ेगी। कई रैली चैंपियनशिप्स में भी रेस करती है डस्टर। देखिए कितना संघर्ष कर रही है डस्टर आपकी पसंद बनने के लिए। सिंगल एग्जॉस्ट टेल पाइप है और ये टेल लैंप LED ब्रेक लाइट के साथ, बढ़िया डिज़ाइन है। रियर वाइपर, स्टॉप लैंप है, ग्रुप ए रेनॉ का लोगो, क्रोम पे भी डस्टर की एम्बॉसिंग है, फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी रेनॉ, रियर पार्किंग सेंसर्स हैं, आसानी से पीछे देखने के लिए भी रियर कैमरा है। 1980s में ARO कंपनी एक SUV बनाती थी रोमानिया में, जिसे डाचिया डस्टर के नाम से बेचती थी, तो काफ़ी पुराना नाम है डस्टर। आप पीछे मुड़ रहे हैं तो पब्लिक को बताने के लिए ये लाइट दी गई है, रिवर्सिंग लाइट। सेफ्टी के अंदर 4 एयरबैग्स, ABS, सेंट्रल लॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इमरजेंसी ब्रेक असिस्टेंस, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, कीलेस एंट्री, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर कैमरा, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और रिमोट इंजन स्टार्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये 4-व्हील ड्राइव वेरिएंट है, 2-व्हील ड्राइव मॉडल का भी
ऑप्शन है। ये सेकेंड जनरेशन डस्टर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इंडिया में फर्स्ट जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल ही अवेलेबल है। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगी 414 लीटर की बूट स्पेस, टू व्हील ड्राइव मॉडल्स में 478 लीटर की स्पेस मिलेगी। फायर एक्सटिंग्विशर है, आज से ही क्लोज करना पड़ेगा। पांचवा टायर यहाँ छुपा हुआ है। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। डोर पे नीचे स्पीकर, बॉटल होल्डर है, पावर विंडो का बटन, और ये है लेदर अपॉल्स्ट्री। फैब्रिक अपॉल्स्ट्री का भी ऑप्शन है। तीन हेडरेस्ट मिलेंगे। सीट के पीछे पॉकेट्स दी गई हैं। प्लेन रूफ है, बीच में लाइट, और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। सैटिन क्रोम फिनिश है, एसी वेंट्स के पास, हाइट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है। आइए अब फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पर भी डोर पे नीचे स्पीकर, बॉटल होल्डर और काफ़ी स्पेस दी गई है। पावर विंडो का बटन है। ड्राइवर को स्पेशल पावर्स के साथ सीट में हाइट लंबर एडजस्टमेंट मिलेगा आर्म रेस्ट के साथ। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पर डोर पे नीचे स्पीकर है, बॉटल होल्डर है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है। ड्राइवर साइड वन टच पावर विंडो मिलेगी। पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। डस्टर के कारपेट, पेडल्स, ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, और ये है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। दो ग्लास होल्डर्स हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक, ग्लास होल्डर है, और ये है फोर स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सिक्स स्पीड सीवीटी ऑटोमेटिक, फाइव स्पीड मैनुअल और सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है। आप तो बस इमेजिन करो कौन सा ट्रांसमिशन चाहिए, काफ़ी ऑप्शंस हैं। ग्लास होल्डर, 12V का चार्जिंग पोर्ट, और ये है ऑटोमेटिक एसी शानदार डिजिटल डिस्प्ले के साथ। इको ड्राइव मोड का बटन है, डोर लॉक करने का बटन, पार्क असिस्ट, कैमरा का बटन, और ये है अपने मतलब का 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट। सपोर्ट करेगा USB, ऑक्स, ब्लूटूथ, रेडियो, नेविगेशन और FM। ये तो आपने डस्टर में देखा ही होगा ये फीचर, इको कोचिंग, इको स्कोरिंग, ट्रिप रिपोर्ट, ये नई डस्टर में भी दिए गए हैं। इंफोटेनमेंट का डिज़ाइन भी सेम है पुरानी डस्टर जैसा ही। ये नेविगेशन, ये सिस्टम सेटिंग्स, ऑडियो सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स, ऊपर ऑक्स और USB के पोर्ट्स हैं, कितने प्यारे AC वेंट्स हैं, ऊपर थोड़ी स्पेस है, डैशबोर्ड पे भी डस्टर लिखा है, और ये ग्लो बॉक्स लाइट के साथ, डैशबोर्ड की फिनिश, और ये है लेदर स्टीयरिंग व्हील। ये क्रूज कंट्रोल, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल्स हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये फ़ोन वॉल्यूम और इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर TFT मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ, जो दिखाएगा RPM, स्पीड, फ्यूल लेवल, टायर प्रेशर, कूलेंट टेम्परेचर, स्पीड एवरेज, रेंज, ट्रिप मीटर, व्हीकल सेटिंग्स और कई इन्फॉर्मेशन। रियर व्यू मिरर, दो रीडिंग लाइट्स हैं, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, लाइट के कंट्रोल्स,
आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये है 2000 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर सीक्वेंशियल मल्टीपॉइंट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन। 135 हॉर्स पावर है, 195 एनएम टॉर्क है, 178 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है और 14 का एवरेज मिलेगा 50 लीटर के फ्यूल टैंक से। पेट्रोल में एक और 1600 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर सीक्वेंशियल मल्टीपॉइंट इंजेक्शन इंजन आएगा, उसकी होगी 115 हॉर्स पावर, 156 एनएम टॉर्क, 161 किलोमीटर पर आर टॉप स्पीड और 17 का एवरेज। पेट्रोल में 1000 सीसी इनलाइन थ्री सिलेंडर, 1300 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन्स का भी ऑप्शन है। डीजल में 1500 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन आएगा, उसकी होगी 115 हॉर्स पावर और 22 का एवरेज। और ये फोर व्हील ड्राइव का डायल है जो दिखाना भूल गया था मैं आपको। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। तो कैसी लगी आपको रेनॉ डस्टर, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।